दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। एंड अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक भी कर देना। मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर Redmi Note 10S है। एंड दोस्तों मैं करने वाला हूँ इसका चार्जिंग टेस्ट। इसमें दोस्तों आपको बॉक्स में 33 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी फ़ोन में देखने को मिल जाती है। तो जो चार्जर है दोस्तों वो 33 वॉट का बॉक्स में दिया गया है। एंड जो इस फ़ोन का प्राइस है, अगर आप सेल में लिया होगा तो 12 से 13 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा था आपको, अगर सेल में आपने इसे परचेज़ किया होगा। एंड दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे जो चार्जिंग है वो मैंने 1% रखी है। एंड दोस्तों मैंने 0 इसलिए नहीं की कि मैक्सिमम लोग दोस्तों 0 यहाँ पर करेंगे नहीं, तो 1% में तो दोस्तों सब यहाँ पर चार्जिंग कर ही देंगे। तो टाइम हुआ है 5:24 PM। एंड देखते हैं दोस्तों कितना यहाँ पर टाइम लगता है। मैंने दोस्तों स्विच ऑन कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों टाइम देख सकते हैं कि 5:24 PM अभी हुए हैं शाम के। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट बाद यहाँ पर देखते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज ये फ़ोन हो पाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, 5:34 PM हो चुके हैं। एंड जो चार्जिंग है वो 21% कम्प्लीट हो चुकी है। तो जो चार्जिंग स्पीड है इस चार्जर के साथ मुझे काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है। तो इतनी तो दोस्तों 21% 10 मिनट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले 10% होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है फ़ोन। एंड टेम्परेचर आप देखें तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 30 मिनट के बाद अगर आप देखें तो चार्जिंग यहाँ पर 58% कम्प्लीट हो चुकी है। एंड जो चार्जिंग स्पीड है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। एंड आप यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखो तो 34 डिग्री के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों अभी जहाँ मेरा विलेज में है यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास रहता है, तो 14 डिग्री ऊपर है अभी फ़ोन का। एंड दोस्तों अगर इसके बाद हमने यहाँ पर जब चार्जिंग चेक की 40 मिनट बाद, तो आप देख सकते हैं 75% के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी अपने Redmi Note 10S में। एंड जो स्पीड है मुझे काफ़ी सही लगी। एंड अगर आप बात करें यहाँ पर 1 घंटे 4 मिनट के बाद, तो आपको 95% के आसपास देखने को मिल जाएगी आपके फ़ोन में चार्जिंग। एंड दोस्तों मुझे काफ़ी सही लगी इसकी स्पीड, क्योंकि भाई आपको 1 घंटे के अराउंड 95% देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ये यहाँ पर चार्जिंग करता है। तो अगर बात करें 99% की, तो आपको 1 घंटा 16 मिनट के आसपास टाइम लग जाएगा अगर आपको 99% चार्ज करना है अपना ये स्मार्टफोन। एंड दोस्तों अगर कंप्लीट हम 100% की बात करें, तो आप देख सकते हैं टाइम हुआ है 6:45 PM। एंड अगर आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करें तो 1 घंटा 20 मिनट यहां पर आपको लग जाते हैं 100% चार्जिंग के लिए। एंड दोस्तों इसके बाद हम यहां पर टेम्परेचर चेक कर लेते हैं बैटरी और फ़ोन का, तो 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों मैंने टच करके फील किया, यहाँ पर काफ़ी ठंडा ये फ़ोन हो चुका था, तो नॉर्मल टेम्परेचर से 6-7 डिग्री ऊपर है बस। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।